हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार जी जुड़े हैं, आइए जानते हैं उनसे कि आज के प्रोग्राम के बारे में उनकी क्या राय है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ICCI ने जो ये आज प्रोग्राम एक्चुअली ये लॉन्च हुआ, इसमें बेसिकली क्या उद्देश्य है इसका, किस प्रकार युवा जुड़ सकते हैं इससे और उनमें उनके फ्यूचर में कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है इसका? देखिए, ICCI का मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ और इससे इसमें जुड़ने के पहले जब मेरी वार्ता हुई थी जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि ICICI के माध्यम से विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने के उद्देश्य से कार्य होगा और इसी कार्यक्रम के तहत हमने प्रथम आयोजन इस दिशा में किया, जिसमें शिक्षा में जो अभी बदलाव की ज़रूरत है और जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें कार्य करने की ज़रूरत है, उसका समन्वय कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ने की दिशा में यह पहला कदम हमारा था। आज के कार्यक्रम में शिक्षकों को एवं छात्रों को किस तरह से रोजगार मुक्त किया जा सकता है, इस विषय पर चर्चा हुई और इस चीज़ को समझा गया, आवश्यकता को समझा गया कि शिक्षा में जो हम लोगों ने एक पद्धति बना रखी है डिग्री बांटने की या क्वालिफिकेशन देने का, इसके जगह अगर हम छात्रों को तैयार करें, रोजगार मुक्त करें और छात्रों को स्किल डेवलपमेंट की ओर मोड़ें, तो तभी सही मायने में शिक्षा का कार्यक्रम सफल हो पाएगा। देखिए, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी गार्जियन, कोई भी दोस्त, मोहल्ला, समाज अंततः यही चाहता है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद लड़का क्या रोजगार कर रहा है, कहाँ उसे नौकरी मिली या किस तरह का व्यापार कर रहा है, व्यापार में भी उसकी क्षमता क्या है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, नेचुरली स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, नेचुरली इंडस्ट्री इंटीग्रेशन और इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग की ज़रूरत है छात्रों को, जिसके द्वारा शिक्षा के माध्यम से और ट्रेनिंग के माध्यम से वो एक सक्षम रूप से जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तैयार होकर कार्य कर सके। जी, और सर, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल थोड़ी सी जो है, मतलब कि ये बात चल रही है, सब लोग कहते हैं कि रोजगार की कमी है और युवा जो है वो अपने आप, मतलब कि इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे अपने फ्यूचर को लेकर और जॉब्स, लैक ऑफ जॉब्स हैं, तो इसके बारे में आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस प्रकार वो ऐसी संस्थाओं से जुड़े और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें? देखिए, रोजगार की कोई कमी नहीं है। अगर आप इंडस्ट्री के लोगों से बात करेंगे तो वो बतलाएंगे कि जिस तरह के कार्य के लिए हमें लोगों की ज़रूरत है वो हमारे पास नहीं मिल पाता है। कंपनीज वैकेंसी निकालती है और एक एक वैकेंसी के लिए 100-100 इंटरव्यू करने के बावजूद उन्हें जिस तरह के लोग की ज़रूरत होती है, जिस तरह के कार्यकुशल की ज़रूरत होती है, वो नहीं मिल पाता है। मैं ये कहूँगा कि आज का युवा, आज के वातावरण के कारण कह सकते हैं या सामाजिक परिप्रेक्ष्य के कारण या पॉलिटिकल रीजन से भी थोड़ा बिखरा हुआ सा है, उसे सही दिशा नहीं मिल रही है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अगर परिवार, समाज और शिक्षकगण, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट सभी मिलकर एक प्रयास करें तो छात्रों को सही दिशा मिल सकती है और अगर ट्रेनिंग सही होता है, एजुकेशन को हम अगर रोजगार मुक्त करके आगे बढ़ते हैं, तो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि छात्रों को या युवाओं को सही रोजगार मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा कि पारिश्रमिक मिलेगा, जो रोजगार मिलेगा और वो समाज में एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कड़ी के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे अजय कुमार जी, जो कि अपनी राय रख रहे थे आज के प्रोग्राम के बारे में। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ आशीष कुमार, बियॉन्ड इंडिया लाइव।